नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अच्छी टॉपिक पे। क्या रैपिड टेस्ट बंद हो जाना चाहिए अगर आप गल्फ देशों में जाते हैं, खासतौर से दुबई की अगर बात करें तो? जी हाँ, क्या रैपिड टेस्ट बंद करवा दें भाई? रैपिड टेस्ट समझते हैं जो एयरपोर्ट पे होता है, जिसकी फीस की कॉस्ट होती है 4,000 के समथिंग, और 6 घंटे पहले आपको जाना पड़ता है, यानी आपका पूरा दिन खराब। पूरा दिन आप रुकोगे, घर से निकलोगे सुबह, ठीक है जी, फिर आप पहुंचोगे, फिर पूरे दिन में जाके आपके फ्लाइट में बैठने लायक होगे। समझ गए बात को? तो क्या ये रैपिड टेस्ट बंद करवा दें, इस पे हम बात करेंगे। हालांकि हम तो भाई क्या बंद करवा सकते हैं, लेकिन कुछ हिंट निकल के आया है, कुछ जानकारी निकल के आई है, तो इस पे हम बात करेंगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ भाई, देखिए गल्फ देशों में खासतौर से वीई में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जाने वाली है। तो आपको सबको पता है वीई सरकार ने हालांकि लंबे समय बाद में पाबंदी हटा दी थी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, नाइजीरिया और युगांडा, जी हाँ इन देशों पे, लेकिन इनके ऊपर एक नियम लागू कर दिया कि ये लोग आते हैं तो इनको रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, जो 6 घंटे का मान्य होगा। जी हाँ, बाकी यूरोपीय देशों ने ऐसा कोई नियम नहीं है, जिनको क्वारंटाइन वगैरह सब कुछ हटा दिया गया है। और दुबई सरकार से निवेदन ये है कि भाई उनको भी हटा देना चाहिए, क्योंकि यार इंडिया में कहाँ कोरोना केस है, मुझे नहीं लगता इतना कुछ है, सोचने की बात है। क्योंकि इसमें देखो कितना नुकसान होता, आम आदमी के बस की बात नहीं होती, एक वर्कर आदमी, दुबई 90% लोग जाने वाले हैं जॉब करने वाले, ब्लू कॉलर वाले, 10% में बिजनेसमैन मान लो, और या कोई हाई कैटेगरी के लोग मान लो, उनके बेचार 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है, उसके बाद 4,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं, रैपिड टेस्ट करवाना पड़ता है, यानी एक पंगे वाली बात है, लंबा वक्त लगता है, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, लोग होते हैं परेशान, लोग ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जिनका बच्चे साथ में होते हैं, उनको भी वहां लंबे समय तक परेशान रहना पड़ता है, एक माँ के छोटा बच्चा है, उसको रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो बच्चा कहाँ जाएगा भाई, बच्चा तो ये नहीं घर में खेल रहा है, उसको भी गोद में उठाना पड़ेगा, साथ में रखना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे एयरपोर्ट पर रुकना पड़ता है लोगों को, ये सिचुएशन है। इनको देखते हुए सरकार की, खास तौर से बता दूं, एक न्यूज जो निकल के आ रही है, इंडियन सरकार की वे सरकार के साथ में बातचीत हुई थी इस मैटर में, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं आया है वे सरकार की तरफ से। अधिकारी ने बताया कि मामले को उठाया गया है, लेकिन इसका रिजल्ट कब आता है, कब तक ये हट सकता है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। बाकी मेरी जहाँ तक सोचता है भैया, जनवरी 2022 में तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, 1.5 महीने बाद तो मैं उम्मीद करता हूँ हटा ही देना भैया, समझ गए, क्योंकि इतने में तो केस वगैरह सब खत्म हो आके मेट्रो क्लोज हो जाएगा। उससे पहले अगर हट जाए तो आम लोगों को राहत मिल जाए, रैपिड टेस्ट का चक्कर हटा देना चाहिए, क्योंकि यार जब कोविड का इधर रैपिड टेस्ट बंदा करवा रहा है और कोविड की जो सर्टिफिकेट साथ में लेके जा रहा है, तो कहाँ कोरोना घुस गया फिर? तो ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है, और वे सरकार को इसमें ध्यान भी दें। अगर भाई आप लोग भी अगर चाहते हो तो कमेंट, आप यूट्यूब जो यूए सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्वास्थ्य मंत्रालय का, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आदमी देखिए आवाज़ उठाते हैं तो उस बात को जल्दी माइंड में लाया जाता है, बाकी धीरे धीरे तो सब कुछ होना ही है नॉर्मल, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी उम्मीद है कि ये जल्दी फैसला हो सकता है, वे सरकार आपको पता है भाई फैसला ऑन द स्पॉट देती है, पहले सोच नहीं सकते वो फैसला दे देती है। हो सकता है ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले ये न्यूज़ आ जाए कि भाई रैपिड टेस्ट सरकार ने बंद कर दिए, हो सकता है 15-20 दिन और खींच जाए, ऐसी न्यूज आ रही है। बाकी हटने के चांसेस हैं, क्योंकि इंडियन सरकार एक्टिव है इसके मैटर में, इसको हटाने के लिए। अब रिजल्ट कब आए ये हम कह नहीं सकते, वो यूएई सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय पर डिपेंड करता है। आई होप ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।